नमस्कार दोस्तों, तो ये हमारा आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर या कला एवं संस्कृति से संबंधित है। तो इसे देखते हैं, साइबर लोक में विस्तार पा रही है लोक संस्कृति। इसके संपादक हैं वद्री नारायण, ये निर्देशक जीवी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के हैं। चलिए तो इसे देखते हैं हम लोग। जैसे कि लोक गायक शब्द हमारे सामने आता है, मन में एक छवि बनती है। गांव चौपालों, खेत खलियानों में लोक गीत गाते गायकों की। लेकिन अब यह छवि बदल रही है। टीवी चैनलों पर होने वाली गायन प्रतियोगिता में ये लोक गायक आपको गाते हुए दिख जाएंगे। लाखों लोग यूट्यूब पर अब इनके गीतों के चैनल को सब्सक्राइब करने लगे हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर ये लोग गायक संवाद करते हुए मिलते हैं। वैसे तो ऑडियो कंपनियां पिछले 30 से 40 वर्षों से भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही आदि के लोक गायकों के गीतों के एल्बम बनाते रही है, मगर अब इनके गीत यूट्यूब के माध्यम से खूब सुने सराहे जा रहे हैं। ब्रज, भोजपुरी, मगही, अवधी के लोक गायकों का एक अपना साइबर लोक बनता जा रहा है। इन भाषाओं से जुड़े लोग फिरवास नौकरियां, व्यापार और भूमंडलीकरण के विस्तार के कारण पूरी दुनिया में फैले हैं। ऐसे लोग जहां कहीं भी हैं, साइबर लोक के जरिए इन लोक गीतों को सुन अपने जड़ों की संस्कृति का एहसास करते हैं। पूर्वी तान, छठी गीत, झूमर, भजन, बारहमासी राधा कृष्ण के गीत, कबीर रविदास के लोक भजन आदि के जरिए अपनी माटी का भावनात्मक स्पर्श महसूस करते हैं। साफ है कि जिन गायकों के सुरों की दुनिया एक खास क्षेत्र, राज्य और देश की सीमाओं में बंधी हुई है हुई थी, वही आधुनिक तकनीक, स्मार्टफोन, इंटरनेट की दुनिया से जुड़कर वैश्विक होती जा रही है। इनका श्रोता समूह किसी भी एक क्षेत्र में नहीं बंधा है, बल्कि वह वैश्विक हो चुका है। गांव, खेत, खलियानों और क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर इनकी शोहरत का प्रसार यूं आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए ही शुरू हो गया था, किंतु ऑडियो कंपनियों के विकास के साथ 80 से 90 के दशक में इनके श्रोताओं का दायरा तेजी से बढ़ा। खासकर टी सीरीज को इसका बड़ा से जाता है। फिर 90 के दशक में देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ जब निजी चैनलों की संख्या बढ़ी, तो महुआ और जैसे भोजपुरी के राष्ट्रीय चैनल भी विकसित हुए। छत्तीसगढ़ भोजपुरी फिल्म उद्योग के विकास के साथ लोक गायकों और इनकी गायन शैलियों की दुनिया भी व्यापक व प्रभावी हुई। इनके विकास का क्रम एक सुखद पहलू यह भी है कि लोक गायन गायन के साथ ही भाषाई फिल्मों में नायक की भूमिका भी निभाते रहे। इस तरह गायक के साथ साथ इनकी छवि नायक की भी बनने लगी। जिन लोक भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री अभी विकसित नहीं हुई है, उनके वीडियो बनने लगे हैं। इन वीडियो एल्बम में भी गायक ही गायक की भूमिका में होते हैं, गायक ही नायक की भूमिका में होते हैं। गायक के रूप में प्रसिद्ध और नायक के रूप में दृश्यांकन के कारण कई लोग गायकों को अपने अपने क्षेत्र सांस्कृतिक नायक के रूप में देखा जाने लगा है। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी इन्हें अहमियत देना शुरू कर दिया है। मनोज तिवारी, हंसराज हंस, प्रहलाद सिंह टिफाड़िया, निरहुआ, सपना चौधरी आदि लोग गायकी के रास्ते ही राजनीति में आए हैं। अपनी आंचलिक लोक संस्कृति की पिछली कथाओं में समय के अनुसार परिवर्तन भी किए। आज के नौजवानों की रुचि, उनके संघर्ष कई बार इनके गीतों में बयां होते हैं। कई बार वे धुन तो पारंपरिक उठाते हैं, मगर उन पर नए समय की कथाएं बुनते हैं। इन लोक गायक गायिकाओं ने जो अपना लोक रचा है, उनका आधार ग्रामीण लोक संस्कृति है। स्मार्टफोन पर सस्ती हो रही इंटरनेट सुविधाओं के साथ यह संस्कृति अब गांवों में यूट्यूब रिंग टोन, अनेक सोशल साइट के माध्यम से ग्रामीण नौजवानों की लोक चेतना का हिस्सा बन रही है।
लोक संस्कृतियों से संगीत के नए बाजार का संबंध दो तरफा रहा है। एक तरफ बाजार ग्रामीण लोक संस्कृति की सांस्कृतिक शक्ति पर अंत विकसित होते और खड़े होते, दूसरी ओर नई निर्मित हो रही लोक संस्कृति पारंपरिक लोक संस्कृति लोक चेतना को प्रभावित करती है। साफ है कि आधुनिकता, नई तकनीक, नए बाजार ने हमारी लोक संस्कृतियों के मूल रूप को तो बदला है, पर इनमें काफ़ी कुछ जोड़ा भी है। इन्हें नए ढंग से बन रहे गीतों के बाजार के उपयुक्त तो किया है, लेकिन इनकी प्रासंगिकता के प्रसार भी हैं भी किया गया। चलिए, तो ये था हमारा एडिटोरियल आर्ट एंड कल्चर से संबंधित।